अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे और मैं ठीक हैं। और आज ईद का दिन है तो बहुत ख़ुशी का दिन, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं और वो हम में नहीं होते, तो फिर इसलिए ईद ईद नहीं लगती। लेकिन बच्चों की खातिर, दुनिया की खातिर बस अटेंड करनी होती है। तो बस मैं जा रही हूँ मामू के घर। आप लोगों को बताया था लास्ट मंथ मेरी कज़न जो है हमारे साथ नहीं है, अब वो उसको बस अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब रहे और कोशिश की नॉर्मल रूटीन में आने की। तो बस अब अल्लाह की मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। और अभी फ़िलहाल मामू की तरफ जाती हूँ, वहाँ से आकर देखते हैं क्या करना है। और अम्मी के घर वाले भी जा रहे हैं, तो मैं भी बस रेडी हुई थी। अरसलान और हसन भी रेडी हैं, ईद की नमाज़ पढ़कर आ गए, तो मैंने कहा चले मामू के घर जाते हैं, तो फिर आते हैं वापस। चले हम निकले हैं जाने के लिए। अभी ट्रैफिक तो नहीं है, नॉर्मल है ट्रैफिक। जैसे जैसे लोग उठते जाएंगे वैसे ट्रैफिक भी हो जाएगा। और यहाँ देखें आप, माशाल्लाह हीरो मेरे तैयार हो गए थे, स्मार्ट भी हो गए बहुत ज़्यादा। डाइटिंग बहुत टफ की है इन्होंने इसलिए। और पीछे एक और बच्चा है, बच्चा कान कैमरे में ही नहीं दिख रहा बच्चा। ये देखें, ईद मुबारक बोलते हैं। ईद मुबारक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। आपकी दीदी बस सब्सक्राइब करके दिएगा। हसन पठान लग रहे हो। मैं हूँ पठान। ईद ऐसे अच्छी लगती है ना कि सब तैयार हुए हुए होते हैं ना। वो है अंकल ने टोपी कैसे लगाई है। उम्मीद थी इतने खाली रोड मिलेंगे। आगे होगा रश, अरसलान कह रहे हैं। देखते हैं आगे रश है या नहीं। जी तो मैंने अरसलान को भेजा है कचौरी लेने, क्योंकि ये ईद पर स्पेशल बनती हैं और बहुत मज़े की होती हैं। मैं तो बहुत वैसे कम खाती हूँ, लेकिन अच्छी लगती हैं ईद पर ये कचौरियाँ इस टाइप की। तो अरसलान को मैंने भेजा, मैंने कहा लेकर आएँ घर की भी। और तो हम आए जाहिद पर और बस अब मामू के घर जाते हैं और ये अरसलान ले आएँ। ज़रा रश नहीं है वैसे, अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता होने लगेगा, अभी है नहीं वैसे। मसाला कचौरी जीरा कोची। ओहो मसाला कचौरी जीरा कचौरी। तो ये देखें हसन के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं अरसलान से ईद मिलने। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। एक और आया है, नहीं है सबको पता चल जाएगा ईद, इन इन बच्चों ने ईदी ली है। ऐसे ही दे दें सवाल जवाब, नहीं करने कोई साइन नहीं लेने पेपर पे। तो बेटा बैस चल रही है, किसको कितने दिन है। शुक्रिया। आज तो सलवार कमीज पहन लेती वैसे ये ईदी आपकी, मतलब आपकी चॉइस नहीं होती देने में। ये देखें ये बच्चे, इन इस बच्चे को मैंने 200 दिए और इन्होंने 100 वापस दे दिए। इनका इनाम बनता है इनाम। ऐसे शरीफ बच्चे भी हैं और ऐसे आप लोग कुछ खाएंगे बेटा, पियेंगे ठंडा गरम।
दिमाग तो खा रही हसन फ्रेंड्स आए हुए मोबाइल रखो जी चलें जी देखते हैं अरसलान की डिश कितनी रेडी हुई है आपकी डिश कितनी रेडी हो गई है भूख लग रही है अभी इसको लो किया है फ्लेम को और मैरिनेट कैसे किया था आपने बताएं उसमें ये मैरिनेट हुआ भाई यहाँ पे चिकन का पीस पड़ा भी हुआ इसमें आपने क्या क्या डाला था इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं जैसे कि इसमें सूखा धनिया पाउडर है लेमन है अच्छा इसमें दोनों मिर्चें डाली है ना पिसी हुई मिर्चें भी डाली हैं और भी है लाल मिर्च भी है और फ्लेक्स भी हैं चिली फ्लेक्स भी हैं अच्छा अच्छा चले ठीक है ये रेडी होता है और मेरा यहाँ पे देखें शीट कोरमा रेडी है और दोनों चीज़ें जब हम खाएंगे इसको निकालते डिश में तो फिर मैं दिखाती हूँ कैसा लगेगा बच्चे बाहर चले गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और माँ जी वहाँ हैं माँ जी अभी रेडी होंगी ये नाश्ता कौन आया है सोकर उठ कर आई है ये ईद मुबारक ईद मुबारक कैसी हो ठीक हो हाथ तो मिला लो वाओ देखे अंशरा की मेहंदी कितनी प्यारी इधर भी लगाई है वाओ ये बहुत प्यारी किसने लगाई इकरा भी ने लगाई है यहाँ पर इकरा भी ने लगाई है यहाँ पर मेरी खाला ने लगाई मैंने कहा था ना मैं लगाऊंगी मुझसे नहीं लगवाई आपको तो नहीं आती आती है मुझे इतनी अच्छी वाली आती है ईदी का है हमकी किसकी ईदी हमकी हमकी हमारी नहीं थी कितनी लोगी दो सौ रुपए चलो ये लो ईदी ले लो सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कुछ खाओगी नहीं बस ईदी लेने आई थी बस ईदी कितनी जमा हो गई बहुत सारी जमा हुई लाओ मेरे पास रखवा दो मैं संभाल के रख लूंगी नहीं तो वो मेरे किचन सेट किचन सेट लाओगी चलो ठीक है जाओ ये भी रख कर आ जाओ जल्दी से भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ अरसलान ने दम लगा के रखा हुआ था इसे पूरा एक घंटा पकाना था दम में अब ये बन चुका है और अब इसका हम दम हटाने वाले हैं मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है लेकिन मैंने कहा चलें नहीं नहीं आप लोगों को मैं इसका कैसा ज़बरदस्त बना ये देखें क्या जबरदस्त बनाया आपने वेल डन आई थिंक इट्स डन यस अच्छा ये सॉल्ट है ये जो डाला ये हाँ हड्डियों ने छोड़ दिया है देखो हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया है हाँ इसका अच्छा, मतलब ये डन हो गया अच्छा ये सॉल्ट जो है ये तो इसकी वजह से ज्यादा नमक नहीं हो जाएगा चिकन में जी बिल्कुल नहीं होगा जो इसके नीचे सॉल्ट है वो एज इट इज वैसा ही है और उसे हमने रॉक सॉलिड किया हुआ है पानी लगा के तो वो चिपकता नहीं है और टेस्ट भी नहीं आएगा उसका नथिंग बिल्कुल कुछ भी ओके तो ये शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको बहुत एहतियात से उठाना होगा क्योंकि ये बिल्कुल गल गया है हम इसे उठाएंगे और ये टूट जाएगा फिर अब आप ये देखें गौर से गोश्त ने हड्डी छोड़ दी है अपनी ये देखें मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने इसको ऐसे सीधा उठाया तो ये टूट जाएगा अच्छा तो अब ये कैसे उठाएंगे अब इसको उठाने के लिए हमें कुछ देखना होगा तरीका इसको गर्म बहुत ज़्यादा गर्म है बहुत टाइट हो रहा है ना हाँ नहीं ये तो छूट गया है देखें आप कितना ज़्यादा खस्ता हो रहा है कि ये देखें वो टूट ही गया चले हाँ वो अलग अलग खा लेंगे कोई मसला नहीं है ये देखें आप नीचे देखें बिल्कुल नहीं लगा वाकई कमाल है ये बहुत ज्यादा खस्ता हो रहा है इसको उठाते वक्त ही टूट रहा है वो और मेरा हाथ भी थोड़ा लग गया है इसको तो ये जल भी गया है मेरा हाथ गरम पतीला बहुत है ये देखें आप कैसा ये देखें व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त है बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये घर में बनाया है ये देखें लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करके घर में बनाया है और आप मसाले से आइडिया लगा लें
कि कितना टेस्टी होगा। अरसान, सबसे अच्छी बात इसकी ये है ना, इसमें ऑयल नहीं है जी, किसी भी किस्म का ना ना ऑयल है ना घी है, कुछ भी नहीं है। कैसा ड्राई है, आप ये देखें हड्डी कैसी अलग हो रही है, देखें ये देखें आप कैसा छोड़, ये देखें चिकन कैसे छोड़ रहा है हड्डी को, ये देखें आ इधर आए, ये देखें कैसा जबरदस्त गला है ये, आप ये देखें जबरदस्त जी। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान ने चिकन बनाया है, और नाम तो यही बताएंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी डिश है ये चिकन की, मगर बहुत ज़बरदस्त बना है, स्पाइस भी बहुत अच्छा है और गला बहुत अच्छा है। कैसे धुआं निकलता है, स्पाइसी प्लस टेस्टी। चले तो मैं थोड़ा सा चिकन खाती हूँ और फिर सोने जाती हूँ, पूरी रात की जागी हुई और सुबह भी ऐसे ही रेडी होकर शीर कोरमा बनाकर मैं चली गई थी मामू की तरफ। अब मैं आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा खा पी कर रेस्ट करते हैं और फिर जो है इंशाल्लाह शाम की तैयारी करते हैं, डिनर बनाना है और कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो फिर देखते हैं क्या बनाना है। तो जब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ अब आराम से सोकर, ऑलमोस्ट नींद पूरी हो गई है मेरी ना, तो मैं बस अब जा रही हूँ किचन की तरफ, तो आएंगे कुछ गेस्ट, उनके लिए डिनर रेडी करना है, तो मैंने कहा चलें वीडियो भी थोड़ी सी बना लेती हूँ। और देखें माशाल्लाह से मेरे प्लांट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, और बस मैं पहले डिनर रेडी करूँगी कंप्लीट और फिर रेडी होंगी मैं, और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी और फिर दोबारा ईद मुबारक बोलूँगी। तो चलें किचन की तरफ। चलें भाई, मैं जल्दी जल्दी से चीज़ें रेडी कर लूँ। मुझे बनाना था कीमा, एक मैंने रेसिपी देखी थी नेट से, अब मैं सोच रही हूँ पहले रायता बना लेती हूँ। यहाँ पे पुलाव की प्याज कट चुकी है, चिकन पुलाव बनाना है। मैंने सारी प्याज काट कर और इसको फ्राई होने के लिए चढ़ा दिया पुलाव के लिए। यहाँ पे मैंने मिंट तोड़े में थोड़े से एंड में डालूँगी, और यहाँ पे मैंने लिए क्यूब्स कनौर के चार, और चिकन पाउडर है, ज़ीरा है, सौंफ है, धनिया है, काली मिर्चें हैं, लौंग है और नमक है। तो ये मैंने यहाँ पर रेडी किया हुआ है, ये यहाँ पर फ्राई थोड़ी सी लाइट ब्राउन होती है तो फिर मैं आगे करती हूँ इसका काम तमाम। यहाँ पे मैंने आलू बुखारे निकाले थे, थोड़े से मैं आलू बुखारे भी डाल दूँगी टेस्ट के लिए, अच्छा लगता है मुझे बिरयानी में भी और मुझे हर चीज़ में आलू बुखारा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब दही ली है क्योंकि मेरे राइस जो है वो कम से कम दो से तीन किलो हैं, तो फिर मैंने आधा किलो दही डालूँगी ताकि टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आए। यहाँ पर चिकन मेरी वॉश हुई हुई है, देखिए कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से काम हो रहा है। तो व्यूअर्स, फाइनली मेरा पुलाव यहाँ पर रेडी है, मैंने हल्की आंच में रखा था लेकिन चूल्हा बंद हो गया। यहाँ पे मेरी प्याज ब्राउन हो रही है, मैंने एक रेसिपी देखी थी कीमे की, बहुत ज़बरदस्त दम वाला कीमा मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने दम वाला कीमा नहीं बनाया, बिल्कुल चेंज बनाया है। इसका नाम था रेशमी कीमा, पता नहीं क्या कीमा था, मैं नाम देख के बताऊँगी आपको दोबारा रेसिपी में। और ये देखें, ये मैंने मैरिनेट किया था, बहुत सारा सामान डाला है, मैं बस वीडियो बना नहीं सकी, इसमें मैंने स्टार्ट से बताती हूँ आपको जी। तो इसमें मैंने पहले डाला था अदरक लहसुन और पिसावा पपीता और नमक, वो डाल के एक घंटा मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद इसमें डले हैं काजू बादाम और पिसावा खोपरा, वो ग्राइंड करके मैंने वो डाला था। फिर मैंने इसमें डाला है काली मिर्चें, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें और लेमन का जूस और अदरक वो हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें वो ग्राइंड करके डाली हैं, लेमन जूस डाला है, इसमें मैंने दही डाली है आधा किलो से ज़्यादा, और जो है इसमें मैंने डाली है क्रीम मिल्क पैक की, ये क्रीम डाली है मैंने, और जी इसमें डाला है घी डाला है, कितना कप, हाफ कप घी डाला है, एक कप से ज़्यादा जो है क्रीम डाली है ये वाली,
तो इसको फिर मैंने मैरिनेट किया है मैंने फिर। और ये देखिए यहाँ पे ये जो प्याज है ये भी इसके अंदर जाएगी। ये ज़रा मैं ज़्यादा डार्क ब्राउन कर दूँ जी। तो मैं इसके अंदर ऑयल नहीं डालूँगी, इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल ऑयल निकाल के इसको मैं इसके अंदर डालती हूँ। अम्मी नहीं करो जी। मैंने देखे इसके अंदर प्याज डाल दी है ब्राउन करके, और बस ये मेरा लास्ट स्टेप था। अब मैं इसको फिर एक घंटा मैरिनेट करके रख दूंगी और फिर इंशाल्लाह हम इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स मैं फ्री हो चुकी थी खाना बनाकर और बहुत अच्छा खाना बना है अल्हम्दुलिल्लाह। दस्तरखान मैंने लगा दिया, सब खाना खा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। भाई यहाँ पे देखें कैसा बना फरीद, रिव्यू बहुत अच्छा बनाया है आपकी टीम आपने, शुक्रिया। फरीद के कहने पे ये मैंने कीमा बनाया था क्योंकि फरीद ने ये रेसिपी देखी थी, तो मैंने कहा चलें फरीद मैं ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छा बना है। और पुलाव कैसा बना है अरसलान, आप भी रिव्यू देंगे? कीमा कीमा ज़्यादातर ऑडियंस को कीमा पसंद आ रहा है। मुस्कान तुम्हें क्या अच्छा लगा है, रायता? ये ऑडियंस नहीं गेस्ट हैं, मेरी गेस्ट आई हुई है। मदिया खाना नहीं खा रही? खा रही खाना, अभी इसके पास बैठ। चलो ठीक है। और मेरा तो पकाते पकाते ही दिल भर गया, बिल्कुल कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा है, सिर्फ मीठा खाने का दिल कर रहा है। तो मैं थोड़ी देर तक बस मीठा खाऊंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो सोचें क्या हाल हुआ होगा किचन में। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अगर मूड हुआ तो फिर मैं खाना खाऊंगी। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। अभी फ़िलहाल सब खाना खा लें, तो फिर इंशाल्लाह ईदी का जो है वो चलेगा सीन, किसको क्या ईदी मिलती है ये देखते हैं। तो अभी तक ईदी मिली नहीं है, ना मुझे मिली है ना बच्चों को। तो मैंने अरसलान से कहा था चलें अभी आप खाना खा लें, फिर हमें सबको ईदी दें। और मैं ये आज नोट कर रही हूँ कि बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी थी, सब ईदी देते थे, बड़े होकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप ईदी देनी पड़ती है, लेनी नहीं पड़ती, बस अम्मी अब्बू देते हैं। तो आज मैं गई नहीं हूँ अम्मी अब्बू से मिलने, अब अम्मी अब्बू से मिलने जाऊँगी तो अम्मी अब्बू देंगे। बाकी तो सब ताया भी नहीं है मेरे, अब खालाएँ भी नहीं हैं जो देती थी, अब बस हस्बैंड ने मेरे और अम्मी अब्बू हैं जो देंगे, तो बस उनसे लेंगे इंशाल्लाह ईदी। पहले की ईदें, बचपन की जो ईदें होती थी बहुत अच्छी होती थी, मिस कर रही हूँ मैं। देखो ईदी है, सही बात है, ये देखें फरीद की डिमांड है, फरीद की डिमांड है ईदी की। अरे भाई जब आप नहीं दोगे तो मैं असलन भाई से क्या बात करूंगा। सही बोला, सही, बिल्कुल सही। नहीं 200 कौन लेता है, 200 में तो एक माचिस भी नहीं आ रही। अब कौन सी माचिस है ये भाई, 200 ये आग लगाने वाली, 200 दो भाई, 200 नहीं। सही बोला, चले भाई हम मुन्नी को दे रहे हैं, ये देखो मुस्कान। ओ शर्म शर्म। सलाम अलैकुम फरीद, सलाम अलैकुम, जीते रहो, अल्लाह पाक और प्रमोशन करे। थैंक यू फरीद, थैंक यू सो मच। हुमायूं जल्दी करो, देर हो रही है, अरसलान ने भी देनी है अभी। अरसलान बैठे हुए वेटिंग पर। देखें ऐसे भी इतने अच्छे लोग होते हैं जो वेट कर रहे हैं कि मैं कब दूंगा, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। चले भाई फरीद भाई, मेरा बेटा आ गया हुमायूं मामू। आप लेके आते हो पिज्जा फ्राइज, वो भी नहीं आते जी, हो चुके पिज्जा फ्राइज भी नहीं आ रहे भाई, बच्चे की डिमांड पूरी करें। इन दोनों का तो चलता रहेगा, मेरे बच्चों को फ्री कर दो बस, मेरे बच्चे वेटिंग पे खड़े हैं। वो दोनों की बड़ी है वो। हसनैन आ जाओ यार, तुम भी फारिग कर दो भाई। मुन्नी मुन्नी को भी दे रहा है फरीद, मुन्नी को दो तो बताना, मुन्नी को भी दे रहा है, मुन्नी को दे दे भाई। बड़ी वैसे बड़ी मुन्नी को दो ना पहले, फिर छोटी को। हसन को दे दी, हसन फरीद मामू ने दे दी। सलाम करो फरीद मामू को जोर से, दिखाओ दिखाओ ये। हाँ असली है। हानिया सलाम करो मामू को, आपको दे रहा हूँ। हानिया हानिया ले लो, आप नहीं हुमायूं मामू से हो। वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम। हुमायूं मेरा सलाम, हुमायूं मेरा सलाम पे रुका हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम। इस पे तो पप्पा बनता है, एक पप्पा इधर एक पप्पा इधर। अरे वाह, एक 500 का एक भी खाली हो गया अब अंदर। तो भाई हानिया हानिया ये भाई को चलो सलाम कर दो बेटा, सलाम कर दो। वालेकुम सलाम। मुन्नी मेरे नोट मुझे ही दे दिए, खुले करवाने के दिए पैसे। मुन्नी की दी ये, मुन्नी की दी, मुन्नी की दी, मुन्नी की दी, मुन्नी की दी। कैसे दोबारा दोबारा वाओ ये और वो हसनैन भाई की माइयो, हसनैन भाई की, हसनैन रेडी हो जाओ यार। ये अच्छे तरीके से, ये अच्छा तरीका है, प्रेजेंटेशन करते हैं भाई हसनैन भाई। वाओ हसनैन मामू तो भाई रेडी करके लाए उनका 500 रुपए। अभी रुक तो जाओ यार, खिचड़ी नहीं पकाओ। वालेकुम सलाम, कितने रह गए? ये मेरा सलाम की आवाज नहीं आ रही लिफाफे का। पाकिस्तान लो, छोटे भी दे रहे बड़ों को। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, समझते हैं कुछ। अरुबा एक दफा, अरुबा एक दफा, अरुबा एक दफा, अरुबा प्लीज। अरुबा कैसे? सलाम करो, सलाम वालेकुम, जोर से आवाज कर सलाम वालेकुम। सुन लिया? ये वो उसामा वाला सलाम हुमायूं आशी के, उसामा वाला कैसे बोलता था? सलाम वाले तू। अरे वो कल पेट्रोल के आधे तो वापस ले। अरुबा ने कल पेट्रोल डलवाना है ना भाई। अच्छा सबका हो गया? मुन्नी रह गई, मुन्नी रह गई। हाँ बाकी अच्छा है, हसनैन गुड, एनवलप बहुत प्यारा है। वालेकुम सलाम। ये भाई मुन्नी ने कहा मैं ईदी ले लूं, जल्दी आ जाऊं, ईद ना निकल जाए। हानिया सारे मामू बेटा याद कर लें, तीनों से ले लिए, खाला से खाला ने भी दे दी। चलें जी अब है गुड्डू भाई की बारी। ये गुड्डू भाई ऐसे देंगे पूरा जी गौरी आया। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अरुबा नजर नहीं। मदिया मदिया को बुलाओ, आवाज नहीं आ रही। हसन मैं भी मैं बच्चे हसन आनिया ईदी ले लो। ये रह गई दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। सही बताओ दोबारा दी है जी। इनाम है तो ये इनाम बोलो ना अरसलान, अरसलान इनाम बोलो, चेक करो अरसलान इनाम बोलो, चेक करो भाई। वो छोटा है ना, मैं छोटा नहीं हूँ। फरीद का दिल बहुत बड़ा है, हमारा भी बड़ा है। अरे हाँ इसका बहुत बड़ा है। 500 रुपए का इनाफ है।
माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी इनाम है वो गिफ्ट है तुम्हें खुशी से नहीं नहीं मेरे पास। ओहो अरसलान इसके दिल में चलो कोई बात नहीं निकल ही जाती है एक नहीं मेरे दिल से निकाल देंगे दी तो मैंने आपके सामने माजी देखो फर्क कर दिया ना मैं पहले ले सबसे टारगेट माजी कितनी है हाँ। आपको ये तुम्हारी मर्जी हां बोले जो आपको ठीक लगे ये 10,000 रुपए ही दिए आपको चलें जी माजी आपकी भी आ गई आओ भाई भाई ज्यादा है मैंने आपसे भी बोला चलना 3.5 अरसलान ये तो दुकान वाली है बार्गेनिंग बिल्कुल इससे कम नहीं होगा अरसलान हसन प्यार करते हैं पापा को मुझे कह दिया 500 रुपए से कम नहीं होंगी मैं भी आ जाऊं क्या एक मिनट रुक जाए तो अब आ रही है मम्मा की ईदी लेने की मम्मा आ जाए तशरीफ ले आए सलाम करी मिट्टल ये मेरा